नमस्कार फैमिली, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल एस बिल्डर एंड कोलैबोरेटर्स के अंदर। आज आपका भाई लक्ष्य सुनिजा आज आपके लिए बहुत ही शानदार एक नए डिज़ाइन का एक नया प्रोजेक्ट लेके आया है, और जो कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज उसकी रहने वाली है बहुत ही शानदार रहने वाली है। क्योंकि जो ये साइड फैमिली रहने वाली है, पहली चीज़ आपको मेट्रो के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलने वाली है, और तो और जो साइड की जो फ्रंट एलिवेशन से लेकर हर चीज़ जो आपकी रहने वाली है बहुत ही एक अलग से लग्जरी टाइप की बना रखी है वो आपको मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है और क्या क्या हम आपको लगा के दे रहे हैं। मेनली हम पहले बात करते हैं इसके रोड के बारे में कि जो रोड इसकी मिलने वाली है आपकी कैसी रोड बन के रहने वाली आई। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मेन जो रोड के बाहर, जो प्रॉपर्टी के हमारे प्रोजेक्ट के बाहर जो रोड रहने वाली है 15 फुट की रोड आपको प्रॉपर दिखाई जा रही होगी कि जो रोड आपको मिलने वाली है काफ़ी अच्छी स्पेशियस रोड मिलने वाली है। अगर हम इसकी एंट्री की बात करते हैं आपकी 25 फुट की रोड से आपकी एंट्री भी होने वाली है। आप रोड देख सकते हैं 25 फुट की रोड से आपकी एंट्री होने वाली है, और जो प्रॉपर्टी के जो प्रोजेक्ट के बाहर जो रोड आपको मिलने वाली है 15 फुट की रोड मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको सारी कनेक्टिविटी मिलने वाली है, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे गैस पाइपलाइन हो, चाहे हर चीज़ हो, आपको धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और तो और आज इस प्रोजेक्ट का आपको हम बता देंगे कि प्राइस क्या रहने वाला है और कितने डाउन पेमेंट के ऊपर आप ये बन के प्रॉपर रेडी कर सकते हैं, कितने परसेंट के ऊपर लोन के ऊपर आपको मिलने वाला है ये प्रोजेक्ट। आइए हम चलते हैं मेन टू मेन फ्रंट एलिवेशन की तरफ, कैसा फ्रंट एलिवेशन आपको बना के दिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने फ्रंट एलिवेशन के बारे में। फ्रंट एलिवेशन की बात करना चाहेंगे, पहले फ्रंट एलिवेशन दिखाने से पहले आपको बताया जाएगा कि जो आपका जो प्रोजेक्ट रहने वाला है ये कार पार्किंग के साथ मिलने वाला है, और तो और आपको टक्कर की प्रोजेक्ट मिलने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एंड रहने वाला है। अगर आप कार पार्किंग खड़ी करना चाहते हैं अपने घर के बाहर भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, इनकेस अगर आप अंदर चाहते हैं आपको अंदर भी यहाँ पे गाड़ी मिल लगने के लिए स्पेस बच जाएगा। एंट्री करते सर आपको स्लाइडर दिए जा रहे हैं, दो स्लाइडर आपको कार पार्किंग के लिए दिए जा रहे हैं, प्लस आपको स्टेपर दिया जा रहा है। आपको अगर कोई भी मेरी माता या बहन है या मेरे पिता है के टांगों में दिक्कत है, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के लिए दिया जा रहा है। प्लस राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको काफी अच्छे नए लुक के साथ एक नए गेट मिलने वाले हैं। अब आपको इसका देखने को मिलता है फ्रंट एलिवेशन, जो नया लुक के अंदर एक नए डिजाइन के अंदर आपको फ्रंट एलिवेशन ऊपर जो दिखाया जा रहा है आपको, जिसके अंदर आपको फास्टनर्स वगैरह हर एक चीज लग के मिलने वाली है। काफी एक नए डिजाइन का आपको फ्रंट एलिवेशन मिलने वाला है, जिसके अंदर हम आपको फॉग लाइट्स वगैरह भी लगा के दे रहे हैं। अभी आपने देखा फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन देखने के बाद आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट दिखाया जाएगा इसका, क्या क्या इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप टूर करा जाएगा क्या क्या आपको हम प्रॉपर्टी के अंदर बना के दे रहे हैं और क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी कार पार्किंग के अंदर। कार पार्किंग का आप प्रॉपर नक्शा देख रहे होंगे, इतनी स्पेशियस कार पार्किंग रहने वाली है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का जो फ्रंट रहने वाला है 15 फुट का फ्रंट मिलने वाला है। कार पार्किंग के स्पेस के साथ आपको प्रॉपर लेआउट समझाया जा रहा है। मेरे राइट साइड में ऊपर आपको एमसी बॉक्स मिलने वाला है, हर एक फ्लोर का एमसी बॉक्स अलग से दिया जा रहा है। प्लस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 4-4 फुट तक आपको टोटली टाइल्स मिलने वाली है, कस्टमाइज टाइल्स रहने वाली है। और तो और इसके अंदर ऑलरेडी समरसिबल ऑलरेडी इंक्लूडेड रहने वाला है। आप देख रहे हैं समरसिबल कनेक्शन हमने कर रखा है। प्लस राइट साइड की अगर हम बात करना चाहूंगा, यहाँ पे आपको 2 मंजिल का कनेक्शन आपको करके दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा 2 मंजिल हम बना कर देते हैं, 4 मंजिल का एक्स्ट्रा कनेक्शन करके मिलने वाला है। फ्लोरिंग की अगर बात करते हैं, नीचे आपको कोटा पत्थर मिलने वाला है। कार पार्किंग के अंदर देख रहे होंगे काफी अच्छा कोटा पत्थर क्वालिटी का यूज करा गया। अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ, ऊपर की फॉल्स सीलिंग का डिजाइन जो आपको दिखाया जा रहा है काफी एक नए बेहतरीन लुक के अंदर, वो भी कार पार्किंग के अंदर आपको फॉल्स सीलिंग का डिजाइन मिलने वाला है। चलते हैं हम अपने बेडरूम के अंदर। बेडरूम का जो आपको साइज जो मिलने वाला है उसको दिखाने से पहले एक बार बताना चाहूंगा, ये जो आपको मिलने वाला है 2 इंच उठा के मिलने वाली है प्रॉपर्टी। कोई भी मेरे क्लाइंट्स आप वॉशिंग वगैरह करते हैं कार की या बाइक की, तो आपके घर के अंदर पानी न जाए इस चक्कर में पहले से आपको मकान सेफ्टी पर्पज को ध्यान में रखते हुए उठा के मिलने वाला है। हम आ चुके हैं अपने मेली टू मेली रूम के अंदर। रूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट चलने वाली है फैमिली, आप देख रहे होंगे। स्पेस की बात करना चाहूंगा, काफी अच्छा 6x6 का बेड यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद अगर आप लंबे में 6x6 का बेड लगाना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप 6x6 का बेड लगाने के बाद आपके जस्ट सामने यहाँ पे आपको टीवी पैनल भी लग जाता है। जैसे भी आप चाहते हैं यहाँ पे बेड लगाने का स्पेस वहाँ पे मिल जाएगा। और तो आपको राइट साइड में ऊपर यहाँ पे विंडो मिलने वाली है, क्योंकि ये टक्कर की प्रॉपर्टी रहने वाली है, इसके यहाँ पे आपको 20 फुट की रोड काफी अच्छी स्पेशियस मिलने वाली है। अगर मैं ऊपर की बात करूँगा, ऊपर यहाँ पे भी एक नए डिजाइन के साथ आपको फॉल्स सीलिंग का डिजाइन मिलने वाला है। नीचे आपको फैमिली मिलने वाली है फ्लोरिंग टाइल्स वगैरह। और स्पेस की बात करूँ, काफी अच्छा स्पेस मिलने वाला है इस प्रॉपर्टी का। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिलने वाला है वार्डरूम का स्पेस। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर वार्डरूम का स्पेस छोड़ा गया। प्रॉपर मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे नजारा कराया जाए वार्डरूम के स्पेस का, कि वार्डरूम का स्पेस भी यहाँ पे दिया जा रहा है। और तो और यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है फैमिली, 3 जो आपको मिलने वाला है टाई बीम दिए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक टाई बीम आपको ऊपर मिलने वाला है, 2 आपको एक आगे मिलने वाला है, और एक सबसे आगे 3 टाई बीम, वो भी 50 गज की प्रॉपर्टी में कहीं मिलेगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही पास रहने वाली है वो मेट्रो के। जी फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम के ऊपर।
जिसका आपको लेआउट दिखाते हैं वॉशरूम को कैसे बना के दिया जा रहा है। आइए जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलने वाला है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम की अगर मैं बात करना चाहूँगा, वॉशरूम एक बार जो आपको दिखाया जा रहा है, इसके अंदर आपको प्रॉपर टॉप तक टाइल्स दी जा रही है और इसके बैक साइड में आपको शाफ्ट मिलने वाले जहाँ पे विंडो देख रहे हैं। प्लस राइट साइड की अगर बात करूँगा, राइट साइड में आपको यहाँ पे सारा टोटली जितने भी आपका पाइप्स वगैरह का, टैप्स वगैरह का काम होता है, सैनिटरी जिसको हम कहते हैं, सैनिटरी का काम होकर मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको सीट मिलने वाली है, ऊपर आपको शावर दिया जा रहा है और ऊपर की बात करना चाहूँगा, ऊपर भी यहाँ पे आपको वॉशरूम के अंदर भी आपको मिलने वाली है काफ़ी अच्छी कलर की और नए डिज़ाइन की फॉल्स सीलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे लुक के अंदर आपको 50 गज मिलने वाला है। और यहाँ की अगर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मिलने वाला है सेपरेट स्टेयर्स का एरिया। स्टेयर्स की एक बार मैं साइज की अगर बात करूँगा, स्टेयर्स का साइज देख सकते हैं, 3 फुट का स्टेयर का साइज आपको यहाँ पर बनाकर दिया जा रहा है। 50 गज की प्रॉपर्टी में कहीं नहीं मिलेगा वो 3 फुट की स्टेयर का स्टेप। चलिए उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज मेनली टू मेनली प्राइस क्या रहने वाले, वो भी इतनी सस्ती प्रॉपर्टी क्यों दी जा रही है आपको, इतने कम बजट के अंदर क्यों मिलने वाले, वो भी इतनी नियर पोर्ट मेट्रो के पास आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आ रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के लेआउट के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के लेआउट की बात करना चाहूंगा, यहाँ पे आपको सेम आपको मिलने वाला है कॉमन एक बेडरूम। स्पेस की अगर बात करते हैं, काफी अच्छा स्पेस रहने वाला बेडरूम का। आप रूम के स्पेस की आप देख रहे होंगे, काफी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है किंग साइज का बेड, प्लस आपको हर एक वॉल के ऊपर मिलने वाला है स्विचेस वगैरह भी। और नीचे की बात करना चाहूंगा, नीचे आपको फ्लोरिंग टाइल्स मिलने वाली है और ऊपर का डिजाइन आप देख रहे होंगे, हर एक रूम के अंदर आपको जैसे बताया गया था, हर एक रूम के अंदर आपको फॉल्स सीलिंग का डिजाइन एक नए लुक के अंदर पूरी रूम के अंदर भर के मिलने वाले, जैसे बिल्डर फ्लैट्स में देखते होंगे। और राइट साइड की बात करूंगा, राइट साइड में आपको यहाँ पे विंडो मिलने वाली है, हर एक ऊपर आपको स्विचेस वगैरह, सॉकेट्स वगैरह की फिटिंग्स मिलने वाली है। लेफ्ट साइड की बात करना चाहूंगा, लेफ्ट साइड आपको मिलने वाला है, यहाँ पे भी आपको वार्ड के लिए काफी आपको जो स्पेस दिया जाता है अपनी अलमीराज वगैरह यूज करने के लिए, वो भी आपको आपका भाई बना के देने वाला है। रूम साइज की अगर हम बात करते हैं, रूम का साइज आपका मिलने वाला है फैमिली 13x10 का। जी हाँ फ्रेंड्स, 13x10 के अंदर आपको रूम का साइज मिलने वाला है इसका। और तो और मैं बात करूँगा चौखट वगैरह के बारे में, जो चौखट जो मेनली यूज होती है यहाँ पे, SS की चौखट आपके भाई ने आपको लगा के मिलने वाली है। इसके जस्ट साथ ही मिलने वाला कॉमन आपको वॉशरूम, जैसे आपने नीचे का लेआउट देखा था सेम एरिया लेआउट वैसे रहने वाला है। पीछे आपको दिया जा रहा है एक शाफ्ट एरिया, प्लस यहाँ पे आपको सारी सैनिटरी की फिटिंग राइट से मिलने वाली है। ऊपर टॉप तक आपको फॉल सीलिंग मिल रही है आप देख सकते हैं, और तो और आपको टॉप तक यहाँ पे सारा टोटली आपको मिलने वाला है, टाइल्स वर्क वगैरह भी सारा काम आपको क्वालिटी का मिलने वाला है। और एंट्री के अंदर यहाँ पे आपको सारा टाइल्स वर्क मिलने वाला है, यहाँ पे आपको स्विचेस की फिटिंग मिल रही है, यहाँ पे भी आपको स्विच का फिटिंग्स वगैरह दी जा रही है। और लेफ्ट साइड की बात करूँगा, नीचे भी आपको लेफ्ट साइड में मिलने वाला MCB बॉक्स। और ऊपर की बात करना चाहूँगा, जो आप देखते होंगे जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव के अंदर भी आपके भाई ने सारा फॉल्सलिंग का काम करके दिया जा रहा है। अब इसी के बैक साइड की अगर हम बात करेंगे, इसके बैक साइड को किचन का स्पेस दिखाया जाएगा और एक अटैच बालकनी सा जो रूम दिखाया जाएगा, उसी के अंदर आपको बताया जाएगा कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज। अब हम मेन बात करते हैं नीचे की, नीचे भी आपको सारा फ्लोरिंग के अंदर सारा देख रहे होंगे, सारा कोटा पत्थर। कहीं पर भी ऐसे मेरी फैमिली में से कोई भी मेरी फ्रेंड्स ऐसे नहीं कह सकते कि LS बिल्डर एंड कॉलबेटर्स पैसों के देने पर कटौती कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो रहने वाली बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे मेटेरियल के साथ। आपको मेटेरियल के बारे में बताया जाएगा, मेटेरियल आपको कौन कौन सा करके दिया जा रहा है। आइए चलते हैं मेली टू मेली किचन के अंदर। हम आ चुके हैं अपने किचन के अंदर, जो काफ़ी मेरी बहनों और मेरी माताओं की नीड होती है कि किचन हमारी कैसे बन के रहने वाली है। किचन का भी आप खाली किचन का स्पेस ही आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी किचन आपके लंबे में प्रॉपर दी जा रही है, सेपरेट किचन मिलने वाली है। लेफ्ट साइड की अगर बात करूँगा, यहाँ पे आपको विंडो का प्रोविजन दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको चिमनी का प्रोविजन भी सारा हम आपको लगा के देंगे। टोटली ये फैमिली मिलने वाली है मॉड्यूलर किचन। किचन का मैं आपको थोड़ा सा लेआउट समझाई, तो किचन आपकी कैसे रहने वाली है। यहाँ पे आपको सिंक एरिया मिलने वाला है, यहाँ से यहाँ तक आपको सिंक एरिया दिया जा रहा है। प्लस यहाँ पे आपकी एल टाइप की किचन यहाँ तक रहने वाली, किसी भी क्लाइंट्स को अपनी किचन अगर बड़ी भी करनी है, यहाँ तक भी अगर अपनी शेल्फ चाहते हैं, तो पूरी आप एल टाइप की किचन चाह सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के अंदर आपको जो स्विचेस का आपको पॉइंट दिया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना फ्रिज का स्पेस सेपरेट खड़ा कर सकते हैं। और तो सारा आपको ऊपर फैमिली को मॉडुलर किचन का काम मिलने वाला है। किचन के ऊपर की अगर मैं बात करूँगा, आपको सारा फॉल्सलिंग का काम भी मिलने वाला है इसके अंदर। किचन जैसे आप क्वालिटी के चाहते हैं, जैसा सरमाई का आप चाहते हैं, फैमिली आप वैसा यूज़ कर सकते हैं, नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि ये प्री बुकिंग साइट रहने वाली है। इसके अंदर जैसा जैसा काम चाहते हैं, चाहे वो व्हाइट वॉश होती है, चाहे वॉलपेपर हो, चाहे टाइल्स का काम हो, सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम के अंदर, बेडरूम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ बना के दे रहे हैं, आइए दिखाते हैं। आ चुके हैं फ्रेंड्स हम अपने मेनली जो बेडरूम हमारा रहने वाला है, जिसके अंदर अटैच बालकनी रहने वाली है, फ्रंट फेसिंग का, सन फेसिंग का बेडरूम रहने वाला, उसके अंदर हम आ चुके हैं। रूम की अगर आप साइज की अगर बात देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा रूम का साइज यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको प्रॉपर डोर का प्रोविजन दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डोर लग के मिलने वाला है, दोनों साइड से आपके आपके एंट्री मिल रही है। यहाँ पे आपको 6x6 का बेड, यहाँ पे अगर लंबे में आप लगाना चाहते हैं 6x6 का बेड यहाँ लंबे में आप लगा सकते हैं।
प्लस आप बैक साइड की अगर बात करते हैं, बैक साइड में आपको हमने एक नया डिजाइन बना के दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपने अगर ऐसा सीनरी वगैरह लगाना चाहते हैं सीनरी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपने टीवी पैनल का भी अगर आप यूज करना चाहते हैं टीवी पैनल भी आप लगा सकते हैं। राइट साइड की अगर बात करूंगा यहाँ पे आपको वॉल पेपर कस्टमाइज भी मिलेगा पूरी प्रॉपर्टी के अंदर। मेरे पूरे 50 गज के प्रोजेक्ट के अंदर फैमिली आपको जो सा वॉल पेपर चाहते हैं कस्टमाइज वॉल पेपर भी रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको सेम एरिया बताया जा रहा है, नीचे आपको फ्लोरिंग टाइल्स मिलने वाली है और ऊपर की बात करूंगा ऊपर का फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख रहे होंगे। हर एक रूम के अंदर आपको एक नया डिजाइन दिया जा रहा है, हर एक रूम के अंदर हर एक वॉल के अंदर आपको हर एक स्विचेस वगैरह का आपको अलग से फिटिंग मिलने वाली है। यहाँ पे हमारी आ जाती है फ्रेंड्स आपको बालकनी का एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आपको विंडो प्रोविजन दिया गया, देख रहे हैं प्रॉपर आपको विंडो लगाई जा रही है। यहाँ पे अगर विंडो एसी भी लगाना चाहते हैं विंडो एसी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं तो कूलर वगैरह का भी चाहते हैं कूलर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी मेनली टू मेनली बालकनी के अंदर, बालकनी का स्पेस आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बालकनी का स्पेस दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर आप टाइल्स वगैरह देख रहे हैं, पूरी आपको टाइल्स वगैरह मिलने वाला है। मेरे राइट साइड की बात करूँगा राइट साइड में टाइल्स मिल रही है, लेफ्ट साइड की बात करूंगा लेफ्ट साइड में टाइल्स मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ फ्रंट की अगर मैं बात करना चाहूँगा फ्रंट में अगर आप चाहते हैं ग्लास लगवाना आप ग्लास लगवा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं आप एसएस का ग्रिल का यूज करना एसएस की ग्रिल भी आप हमसे लगवा सकते हैं अकॉर्डिंग फॉर यू। अगर ऊपर की बात करूँ ऊपर का आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग मिलने वाली है, हाई लाइटर आपको लगा के दिया जा रहा है, प्लस आपको जो लाइट्स मिल रही है फोग लाइट्स के हिसाब से आपको लाइट्स मिलने वाली है, ऊपर वुडन का सारा काम करके मिलने वाला है। अब अब इसकी मेली टू मेली कनेक्टिविटी फैसिलिटीज आपको बताते हैं क्या कनेक्टिविटी और फैसिलिटी रहने वाली है, और उसके पहले चलते हैं रूफ पे, रूफ पे जाकर आपको रूफ का नजारा कराते हैं, उसके बाद फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। आइए जी हाँ फैमिली हम आ रहे हैं अपने रूफ के ऊपर। रूफ पे चलने से पहले आपको प्रॉपर रूफ का प्रॉपर स्टेज दिखाई जा रही है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपकी इन्वर्टर वगैरह की फिटिंग्स वगैरह सारी रहने वाली है, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है रूफ का गेट, आयरन का गेट जो मिलने वाला है। और हम आ चुके हैं अपने मेनली टू मेनली रूफ के ऊपर। रूफ जो फैमिली आपकी रहने वाली है 6 पिलर के ऊपर बन के रहने वाली है, 2 आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं, 2 एकदम एंड में मिलने वाले हैं, 2 आपको मिड में मिलने वाले हैं। अब आप प्रॉपर रूफ का साइज देख रहे, यहाँ पे आपको शाफ्ट का एरिया मिलने जा रहा है जो आपको शाफ्ट दिखाई गई थी। प्लस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट साइड की अगर मैं बात करना चाहूँगा राइट साइड में सारा आपको टैप्स की फिटिंग्स वगैरह दी जा रही है, ऊपर आपको 550 लीटर का टैंक आपको लगा के दे दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं रूफ की, रूफ पे जो आपको मिलने वाले रूफ टाइल्स मिलने वाली है, रूफ का साइज देख रहे होंगे काफी अच्छा रूफ का साइज मिलने वाला है। अब हम मेली फैमिलीज की बात करते हैं, जो मेली हम काफी टाइम से पहले से बात करते हैं, इसकी कनेक्टिविटी क्या रहने वाली है। कनेक्टिविटी की हम फैमिली बात करते हैं मेली टू मेली जो जैन रोड, काफ़ी मेरे क्लाइंट्स को पता होगा जैन रोड कहाँ पे है, द्वारका मोड़ से उतरते से आपकी जैन रोड की जो लोकेशन है वो प्रॉपर्टी रहने वाली है। जैन रोड के आप वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, हार्डली 10 मिनट का रास्ता फैमिली आपको दिया जा रहा है इस प्रॉपर्टी के पास, वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का रहने वाला है। बैटरी रिक्शा की बात करते हैं आपको घर से बाहर निकलते साथ बैटरी रिक्शा की फैसिलिटी मिलने वाली है, 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। स्कूल की बात करूंगा सत्यम पब्लिक स्कूल भी इस प्रॉपर्टी के बाहर मिलने वाला है फैमिली। और तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह की, यहाँ पे आपको संजीवनी तारक हॉस्पिटल बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, और स्कूल्स वगैरह प्राइवेट की अगर बात करते हैं प्राइवेट स्कूल भी आरपी मेमोरियल जीडी लेंसर जितने भी प्राइवेट स्कूल है चाहे कोई भी आप स्कूल लेके चलते हैं प्राइवेट स्कूल उसके नियर अबाउट रहने वाले हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलने के अगर हम बात करते हैं अपना लड़कियों का स्कूल KVS जो स्कूल मिलता है अपने यहाँ पे, हार्डली यहाँ से 15 मिनट का रास्ता आपको यहाँ मिलने वाला है, वो भी द्वारका मोड़ पर मिलने वाला है, और तो विकासपुर भी दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मेन मार्केट्स वगैरह की, इस प्रॉपर्टी के फैमिली आपको जस्ट बाहर ही मिलती है डेली वेजेस मार्केट। अगर हम बात करते हैं क्लब्स वगैरह की, इसी प्रॉपर्टी के जस्ट फैमिली आपको मिलता है यहाँ पे क्लब्स वगैरह भी, जो अपने हमारे जो जिम्स वगैरह की बात होती है जिम्स वगैरह मेरे भाई और बहनों के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेली टू मेली जो यहाँ पे आपको बेसिक नीड होती है पार्लर्स वगैरह की, पार्लर वगैरह भी आपको घर के बाहर ही रहने वाला है। अब आपको कनेक्टिविटी के हिसाब से कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ यहाँ पे आप कनेक्टिविटी घर के बाहर निकलते आपको हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। अब हम मेल बात करते हैं फैसिलिटीज आपको क्या क्या दी जा रही है, उससे पहले आपको रूफ का नज़ारा दिखाया जाएगा कि बाकी रूफ आपके कैसे रहने वाले, उससे बाद हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ की और तो और लोन की और कितना प्राइस जो आपको बताया जा रहा है कितने प्राइस के अंदर आपको इतनी सस्ती प्रॉपर्टी क्यों दी जा रही है। आई जी फ्रेंड्स अभी आपने रूफ देखी थी, हाफ रूफ देखी थी, बाकी जो हाफ रूफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं अपने हिसाब से जैसा काम करना वो भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कमरा बनाना चाहते हैं कमरा भी बना सकते हैं। और रूफ की अगर आप बात करते हैं रूफ का स्पेस जो देखते हैं काफी अच्छा रूफ का स्पेस भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हम मेनली बात करते हैं फैमिली फैसिलिटीज की, यहाँ पे आपको फैमिली मिलने वाला है दिल्ली जल बोर्ड का पानी, BSES का मीटर, अगर हम बात करते हैं गैस पाइपलाइन वो भी इस एरिया में आ चुकी है, सीवर लाइन की बात करते हैं सीवर लाइन भी इस एरिया के अंदर कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं वर्किंग है। और तो और बात करते हैं जहाँ पे जो आपको समर सीवर भी आपको लग के मिलने वाला है। अब हम मेनली बात करते हैं जो हमारा मेन रहता है लोन के ऊपर, जी हाँ फैमिली ये आपको 85-90% लोन के ऊपर ही आपको मिलने वाली है प्रॉपर्टी। जी हाँ फ्रेंड्स 85-90% के ऊपर लोन के ऊपर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लोन का रेट इंटरेस्ट की बात करता हूँ मैं बाकी कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं करूँगा, आपका भाई जो करा के देगा 9-10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सिर्फ। अगर आपका सिविल खराब भी है तब भी आप ले सकते हैं अपने सपनों के घर को अपना, क्योंकि आपके भाई की इतनी अच्छी मार्केट में पकड़ है आपको 9-10% के ऊपर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी दे देगा। सिर्फ आपको अपने 11-21 हज़ार 31 हज़ार सिर्फ बुकिंग अमाउंट देनी है, बाकी आपकी
लोन आपका भाई करा के दे देगा। अब हम मेन बात करते हैं इसके अंदर आप कितनी डाउन पेमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। आप मात्र अगर आपके पास 10 से 15 लाख भी अगर है फैमिली, 10 से 15 लाख भी अगर आपके 8 लाख भी है, तब भी आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सिर्फ अपनी डाउन पेमेंट देके, बाकी आपका भाई आपको लोन करा देगा। प्राइस की बात करेंगे, इतनी नियर अबाउट मार्केट के पास, इतनी अच्छी लोकेशन के अंदर, जैन रोड की लोकेशन, जहाँ पे सिर्फ मैं प्लॉट की अगर मैं बात करूंगा 90,000 रुपये गज के हिसाब से प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है। अगर आप प्लॉट ही प्लॉट लगाएंगे इतना प्राइस आपको, वैसे आपको भाई नहीं बताएगा जितने यहाँ पे आपको यूट्यूबर्स या आपको बिल्डर्स बताएंगे प्लॉट प्लॉट का प्राइस। जिसलिए प्राइस के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर मैंशन होता है, मोबाइल नंबर बताना चाहूँगा 9911993121 पर कॉल करके अपने भाई को याद भी कर सकते हैं। मेरी बैकअप टीम के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हैं, पहली चीज़। सेकेंडरी चीज़, अगर किसी भी मेरे भाई या बहन को प्लॉट अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, चाहे वो 30 गज हो, चाहे 40 गज हो, चाहे 50 गज हो, चाहे 60 गज हो, चाहे 25 गज भी क्यों ना हो, तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपका बजट है आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने हिसाब से चीज़ को कस्टमाइज भी करा सकते हैं। और हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिलेगा, हर एक प्रॉपर्टी आपको रजिस्ट्री होने मिलेगी, हर एक प्रॉपर्टी की आपकी जनकपुरी अथॉरिटी में जाकर आपकी रजिस्ट्री होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप है तो हम है, हमें तो एलएस बिल्डर एंड कॉल बिल्डर है आपका साथ। एलएस बिल्डर के साथ दोबारा मिलूंगा कि नई वीडियो के साथ। जय हिंद फैमिली।